ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इसका अर्थ ये बनता है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, वहाँ गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावृत्ति में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो ये नहीं जानते। ये देखो फिर आप समझ में आएगा आपके। ये लिखा है आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन, यह कहता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन, माम उपेते तू कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, तो उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहाँ से प्रारंभ होता है और इसका यहाँ अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अरिया देखो अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा, ये देखो श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोक नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मंडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, और क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सर्वपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, सातसंग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उद्धारते, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है विनाशी भगवान।
तो यहाँ गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए सब पुनरावर्ती में हैं, वहाँ गए हुए सब का जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहाँ चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहाँ भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धम्। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साथ के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समृत और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, न वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था भी दास ने, कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है, और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सचिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी
परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का, और जैसे पूरे वृक्ष को पूरे पौधे को पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है, मूल से प्राप्त है जड़ से, तो वो सबका पालन हार सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा वो मूल मालिक तो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है ये संसार रूपी वृक्ष है, और इसके जो सभी विभागों को जानता है ये देखिएगा स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है ये संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत जड़ से लेकर मूल से लेकर तना मोटी डार शाखा और पत्तों तक बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, ग्रीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा तुम साहेब तुम संत और तुम सतगुरु तुम हंस हो, सतगुरु माने तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो, तो उस परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो, तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था अक्सर पुरुष एक पेड़ है सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष हैं सर पुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है, जड़ें हिडन होती हैं पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है, तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्स है गुप्त है। उसने परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष ज्योत निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया का क्या कहा है कबीर। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखो अक्षर पुरुष एक पेड़ है सर पुरुष कहो इसको निरंजन कहो, सर पुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात्र संसार,
तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो ज़मीन से बाहर दिखाई देता, वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्सर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की, और वो है कौन ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़, और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला इस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप, और छंदासी यस्य प्रणाणी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया, अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर, देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊपर जड़ और नीचे, अधः माने नीचे, तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का, अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है ऊपर मूल, तो उस संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल, ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, ये देखना पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित, इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, छंद जिसके पत्ते कहे गए इसका अर्थ है, और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, या पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र संसार, वो मूल कौन है, वो खुद मालिक जो रचने वाला है,
तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है, 15वें अध्याय के 3रे चौथे में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जा और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन, तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3रे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता को इसका पता नहीं क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहाँ परमात्मा रहता है वो जहाँ से सब का धारण पोषण करता है जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ हैं, वो अविनाशी स्थान है, सतलोक अलखलोक अगम लोक और अकैलोक जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है, सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के। अब देखो सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी संसार की सृष्टि को दृढ़म दृढ़ेन माने दृढ़ यानी उस अटल उस बिल्कुल स्वस्थ वेर, यह है असंग शस्त्रेण तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग्य रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर, वो ज्ञान अटल है, उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये चौथा श्लोक श्रीमद् भगवद् गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। अपुन आत्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए के 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे, एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहाँ नहीं पहुँचे, कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, सत्य माने शाश्वत सदा रहने वाला, तो उस शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो
तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सेंस 88 नहीं गए, 88,000 भी वहाँ नहीं गए शास्त्र स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए, ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इसके ऊपर कोई देव नहीं, और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएँ छोड़ दो, उसका ओम नाम है, ब्रह्म लोक में रहता है, वहाँ चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो, और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं, उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष संत गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहते, और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा, तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इन मकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है, ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता घुमाता है। फिर बताया 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा
आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक मंत्र है। आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है वो जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म, आठवें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, एक सर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सर्वपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है, यह सर्वपुरुष जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए, और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी सथूल शरीर सबका नाश होता है, जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, ये लोक तरम अविश्य विवृति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको, ये खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे हर तरह से मैं ऊँच हूँ, शक्ति में भी ऊँच हूँ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है, जो ज्ञान उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तय श्रेष्ठ हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा, कबीर जी अमर पुरुष, सत्पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर, आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी, ब्रह्म लोक जाएगा। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि आठवें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ,
अब फिर ये बताता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, ओम तत् सर्वपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास दास पर रजा हुई है, ये कोड वर्ड है तत् और सत ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर, फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारे जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी ईष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहाँ अभी तक ये कबीरपंथी यहाँ मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तक काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है, वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिले। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं, ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे, उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, जो दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, परमति नानक एक लंघाए जयकर सत्समावा। दो अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सारनाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है दो अक्षर का, इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत, वो सत जो है वो सारनाम है, वो अलग है, इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत् सत्य 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहाँ पड़ गया वहाँ शांति कहाँ। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे, उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया। वो ओम तत् सत, तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सचिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वह काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है, और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बताया 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन
ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार। और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन, कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूँ, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूँ 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, कि ये यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूँ, मेरा स्मरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूँ, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परितज कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये तीन मंत्र का जाप है आपको दिया जाता है, जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है, ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्म लोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है, और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहाँ से तुम आए हो, जहाँ कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परितज माम, इसका विधान है ये, ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना, होता ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मा सुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच न चाह रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है,
और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स किराया उसको, उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के पांच नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र हैं, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र हैं आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहाँ गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा, फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुँचेगा। अरे ये नकली राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले नो के साडे गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जाते हो, त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुँच गया, साइकिल ठा लिया तो पहुँच गया, त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये तीन मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत, ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहाँ परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा, ये दास आपका वहाँ वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, यानी गुरु का रोल यहाँ से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन नियमित दास रहेगा। तो वहाँ पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहाँ रखी जाएगी कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है, और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी, ये पकड़ो इनकी, अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे, 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहाँ अक्षर पुरुष का लोक आएगा, सात संग ब्रह्मांड हैं, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहाँ से उसका साधन हमें मिलेगा, और उसके प्रतिफल में हम इस तत् मंत्र की कमाई उसको देंगे, वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा, 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभेशुंदुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्यतम, ग्रीब जो सुमर सिद होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी,
सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा दावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा दावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करूं धरू चरण पर शीस गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास को नाम गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखे चोहा जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है, इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और एक मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधु मर जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है, लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहाँ जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए,
अंबी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वारे। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष है आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं स्वयं आकर के, कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है, इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय सथल से, उस सतलोक से, अमर लोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूँ वो यहाँ नहीं है, उसकी खोज में। फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता, पुण्यात्माओं। निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।